नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ नवल दुबे। देश और प्रदेश की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिए जाने और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए जाने के आदेश के बाद मंसूर अली पार्क में सीए के खिलाफ बुरकानसी महिलाओं के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को समाप्त करने और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नगर ब्रजेश श्रीवास्तव और अपर जिलाधिकारी नगर अशोक कनौजिया आंदोलन स्थल पहुंचे। जनपद स्तर पर लगातार इसके लिए जहां पर एकजुट हो रही भीड़, उसे लगातार संवाद किया जा रहा, बात की जा रही है उनके साथ और प्रदेश सरकार की एडवाइजरी जारी हो गई है। जहां शिक्षा संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जहां पर लोग एकजुट होते हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि ऐसे एकजुट ना करें। वो बैंकेट हॉल में है, शादी बारात घर भी, उनको एडवाइस जारी कर दी गई है कि आप लोग तत्काल ऐसे कार्यक्रमों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। और यहाँ पर हम लोग आए हैं मंसूर पार्क, जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे हमने अपील भी की है, इनको कोरोना वायरस के बारे में बताया भी है, उसके संक्रमण के बारे में बताया है, बचाव के बारे में बताया है, उनसे अपील भी की है तत्काल धरना स्थगित कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि जिसके लिए अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो यहाँ पे बाकी लोग संक्रमित हो सकते हैं, उसे बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो अपील की गई, ऐसे अनुरोध किया गया है कि तत्काल खत्म करें धरना। अब लगातार संवाद बनाए हुए हम लोग, इसे लगातार बातें कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है जो, वो अलग व्यवस्था है काम करने की, लेकिन हम लोग इनके स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो हम लोग इनसे अनुरोध कर रहे हैं और इन्होंने बातें पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स निकले, हम उम्मीद करते हैं। प्रशासन द्वारा क्या मार्क्स वॉक्स यहाँ पटवाए जाएंगे? लगातार हम इसका प्रयास कर रहे हैं और इसको जो व्यवस्था होगी, अभी इससे पहले उठने के लिए अनुरोध किया गया, स्थगित करने के लिए कहा गया है। आज यहाँ पे रोशन बाग के धरने पे प्रशासन ने आकर के अपनी चिंता व्यक्त की कि कोरोना फैल रहा है, आप लोगों को धरना स्थगित कर देना चाहिए। मेरा सीधा प्रशासन से और सरकार से सीधा ये कहना है कि अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है हम लोगों की, तो आप इस जो वायरस जो आपने पूरे देश में फैला के रखा है NRC NPR CA का, आप इसको रद्द कर दीजिए। हम लोग सारे ये धरना रद्द करके अपने अपने घर को चले जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप इस कोरोना, जो कोरोना से भी बड़ा वायरस NPR NRC और CA नहीं रद्द कर पा रहे, तो इस कोरोना का भय हमको मत दिखाइए। वहीं महिलाओं से अपील की कि वो अपने आंदोलन को स्थगित करके अपने घरों की ओर जाएं, ताकि कोरोना के खतरों से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अधिकारियों के इस अपील का बुरकानसी महिलाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अल्लाह की मर्जी के अनुसार आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। महिलाओं ने कहा कि सरकार को उनकी इतनी ही फिक्र है, तो बचाव के तरीके अपनाएं और CA को वापस लेकर इस काले कानून को समाप्त करें। महिलाओं ने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए वो आंदोलन पर बैठी और काले कानून के खिलाफ भी आंदोलन करती रहेंगी। जारी होगी सेहत, जो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी होगी, हम उसको देखेंगे। और यहाँ पर दवाइयों का इंतजाम है, यहाँ पर तमाम तर मच्छर मारने वाली और तमाम तर दवाइयाँ हम छिड़कवा रहे हैं मुसलसल। हमें, हमारी महिलाएं जो हैं वो अपना मुंह बंद करके यहाँ पर रखती हैं, आप खुद देख रहे हैं एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इसमें 99% ऐसी महिलाएं हैं कि जो पांचों टाइम नमाज पढ़ती हैं, वुजू बनाती हैं, चेहरे को धुलती हैं, कुल्ली करती हैं, मुकम्मल इंतजाम है, ऐसी किसी बीमारी से हम नहीं डरते, एक चीज। दूसरी चीज, आखिरी बात ये है कि देखिए भाई, हम लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम किसी बीमारी से नहीं डरते। जब मौत आएगी तो वो मर के जाना है उसको, हर शख्स को एक दिन मर के जाना है। जब मौत आएगी तो कोई भी बहाना हो जाता है। रोजाना इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना अस्पतालों में लोग इतने मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे खाना नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट उनकी भी फिक्र कर ले खुदा के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी है। किसी वायरस से, किसी कोरोना से डरने की कोई जरूरत।